कोरोना वायरस का स्ट्रेस और एंजाइटी से दूर होने के लिए 8 टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ, महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। कोरोना वायरस का जो प्रकोप हुआ उसमें काफ़ी लोगों को टेंशन है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी, चिंता है कैसा होगा क्या होगा, तो उसके बारे में मैं आपको 8 टिप्स देता हूँ जिससे कि उसका स्ट्रेस, उसका टेंशन, उसकी एंग्जाइटी कम हो जाएगी। नंबर एक, इसके बारे में पढ़ना बंद कर दो। टीवी की न्यूज़, यूट्यूब के वीडियोस, व्हाट्सएप के पोस्ट, फेसबुक के पोस्ट, ये सब बहुत ही बम्बार्डिंग होते रहता है, वो हमको बंद करना पड़ेगा, तो उससे हमारा काफ़ी स्ट्रेस कम हो सकता है। नंबर दो, हर टेंशन, हर डर, एंग्जाइटी, चिंता, ये सभी को है, ये होना स्वाभाविक है, ये होना नेचुरल है। सभी को डर लग रहा है, सभी को चिंता है आगे कैसा होगा, आगे कैसा होगा, तो यह चिंता डर का स्वीकार करो, जस्ट उसके साथ में रहो, ठीक है ये ऐसा है। ये जब आप एक्नॉलेज करेंगे कि ठीक है, उसका स्वीकार करेंगे, उसको उसको चुनेंगे, तो आपका डर कम हो जाएगा धीरे 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 कि यह ऐसा है और सभी को है, सब फेस कर रहे हैं। नंबर तीन, जब डर है, चिंता है, तो अभी मैं यह अवस्था में, यह कंडीशन में क्या क्या एक्शन ले सकता हूं। एक एक्शन ले सकता हूं वो फेल होगी, दूसरे एक्शन ले सकता हूं वो फेल होगी, तीसरे एक्शन ले सकता हूं, क्या क्या एक्शन ले सकता हूं उसका एक्शन प्लान हम बना सकते हैं। नंबर चार, हर दिन जो है वो आज का दिन, एक दिन ऐसा जियो और प्रेजेंट में जियो, वर्तमान में जियो। जब आप बहुत चिंता करेंगे साल की, दो साल की, तीन साल की, कैसा होगा क्या होगा, तो फिर वो टेंशन आ जाता है। आज का दिन मेरा है, मैं वर्तमान में जी रहा हूं, जो भी करना है मुझे आज करना है, आज का दिन जीने का है, तो वो यदि आप करते हैं तो उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नंबर एक है जानकारी, इन्फॉर्मेशन जो है उसका बोझ डालो। नंबर दो, डर, चिंता, टेंशन सभी को है, उसका स्वीकार करो। नंबर तीन, क्या क्या एक्शन आप ले सकते हैं उसके बारे में उसकी लिस्ट बनाओ। नंबर चार, आज का दिन, यह दिन वर्तमान में जियो, जो आज का दिन है वो है और उसमें वर्तमान में जियो, फ्यूचर की चिंता मत करो। नंबर पांच, जो आज का दिन है वो अनोखा है, एक निराला है, अलग है, पास का उसका कोई संबंध नहीं है, यहां से हम उसको देखेंगे आज के दिन को, पास में क्या हुआ था, अतीत में क्या हो गया, भूतकाल में क्या हो गया, अभी क्या होने वाला है या भविष्य में क्या होने वाला है, ऐसा हम जिएंगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। आज का दिन एक निराला है, रोज उठने के बाद में आप ऐसा एक निराला दिन है, आज मैं नया क्या कर सकता हूँ, नया क्या क्रिएट कर सकता हूँ, वो यदि आप देखेंगे और नया कुछ तो भी क्रिएट करेंगे, और जो कभी आपने क्रिएट किया नहीं अपनी जिंदगी में वो करो, तो देखो बहुत चमत्कार हो जाएगा। नंबर छः, फोकस ऑन व्हाट यू कैन लर्न, क्या नया सीख सकते हो, क्या सीख सकते हो, जैसा है आप कोई आर्ट सीख सकते हो, कुकिंग सीख सकते हो, आप कोई मेडिटेशन सीख सकते हो, कोई नई भाषा, कंप्यूटर, क्या नया सीख सकते हो, तो आप जब नया सीखते हैं ना तो आपका डोपामिन सिक्रेशन होता है, ब्रेन फील गुड हार्मोन सिक्रेट करता है, उसमें बहुत अच्छा लगता है, तो वो सीखो। सातवीं टिप है, बच्चों के साथ में रहो, बच्चों के साथ में जब आप रहते हैं, खेलते हैं तो बहुत मज़ा आता है, उनके साथ में टाइम बिताओ और उनके साथ में कुछ ना कुछ खेल खेलो या नया सीखते जाओ। नंबर आठ, यह भी समय निकल जाएगा, दिस विल चेंज, दिस विल नॉट लास्ट लॉन्ग, ये भी निकल जाएगा, यहाँ खड़े रहो कि नहीं ये ज़्यादा दिन रहने वाला है नहीं, ये भी निकल जाएगा, अभी तक बहुत सारे कठिनाइयाँ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स मेरी ज़िंदगी में आए, मैंने उसका सामना किया है, यह भी निकल जाएगा, यह भी टेंशन खत्म हो जाएगा, यहाँ से जियो। और आप जब जियेंगे तो आपको टेंशन, एंग्जाइटी निकल जाएंगी, स्ट्रेस फ्री लाइफ आप जी सकोगे। ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद है, आप सभी लोगों को शेयर करो ताकि काफ़ी सारे लोगों को टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी हो रही है, वो वहाँ से मुक्ति पा सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।